नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूँ आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर में चोरी की घटना आम बात हो गई है और चोरों का मनोबल इस कदर बढ़ गया है कि थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर भी वारदात को अंजाम देने में बेखौफ है। ताज़ा मामला तिलकामांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत हटिया रोड का है, जहां पर चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल तिलकामांझी हटिया रोड स्थित एक आभूषण की दुकान में चोरों ने देर रात 25 लाख से अधिक रुपये की सोना चांदी का जेवरात चोरी कर लिया। बताया जा रहा है कि चोरों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब भागलपुर पुलिस भी सो रही थी और पूरा इलाका सुनसान पड़ा था। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही दलबल के साथ डीएसपी अजय कुमार और तिलकामांझी पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास में लगे सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई में जुट गई। बड़ा सवाल यह है कि थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर इतनी बड़ी वारदात को चोर अंजाम दे रहे हैं और भागलपुर पुलिस इससे बेखबर रहती है। इधर चोरी की वारदात की जानकारी मिलते ही आभूषण दुकानदार दुकान पहुंचे तो शटर का ताला टूटा पाया, जबकि दुकान के अंदर से चोर करीब 25 लाख रुपये जेवरात लेकर फरार हो चुके थे। रात को 7:45 के बीच में दुकान को ऑफ कर दिया, घर चला गया, इत्मीनान से खाया पिया आराम कर रहा था। लगभग 2:10 के आसपास मेरे दुकान ओनर का फोन आया मेरे पास कि सुरेंद्र जी आइए, अभी इमरजेंसी है, ऐसे ऐसे आपका दुकान का शटर खुला। मैं यहाँ पहुँचा, देखा दुकान का शटर खुला हुआ था, खाली शीशा गेट था, अंदर तिजोरी टूटी हुई थी, बाहर के ताले टूटे हुए थे और प्लस टैक्स जो लगा रखा है मैंने शोकेस, उसके भी सारे चीज़ गायब थी, चांदी सोना सामान सब गायब था टोटल। फिर सर ने ही यहाँ तिलकामांझी थाने में फ़ोन किया, वहाँ से पार्टी आई और गश्ती पार्टी आई, रात में उन्होंने फोटो वगैरह ली, फिर वो चले गए। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में शनिवार को विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर इंडियन डेंटल एसोसिएशन अंग प्रदेश भागलपुर की ओर से अवेयरनेस एवं फ्री डेंटल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। शिविर में दंत चिकित्सकों ने 110 मरीज की जांच कर जरूरी सलाह देते हुए उपचार के बारे में भी जानकारी दी, जबकि इस दौरान कैंसर से बचाव और सावधानी के लिए भी लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान अधिकांश मरीज पायरिया, दांतों में सड़न, अकल डाढ़, मुंह से खून आना और दांत दर्द के मिले, जबकि कुछ मरीज के गाल में उजले रंग का पैक देखकर उन्हें जरूरी उपाय की सलाह दी गई। इसके अलावा जांच शिविर में सभी लोगों को आईडीए अंग प्रदेश के द्वारा एक कार्ड दिया गया, जिसके माध्यम से मरीज संबंधित दंत चिकित्सक के क्लिनिक में भी 10% के डिस्काउंट के साथ इलाज करा सकते हैं। वहीं वहां मौजूद लोगों को ओरल कैंसर के प्रारंभिक लक्षण के बारे में जानकारी देकर समय रहते इसका इलाज करने की बात डॉक्टरों ने कही। साथ ही तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, गुल जैसे नशीले पदार्थों का उपयोग बंद करने की सलाह दी गई। शिविर के दौरान एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार, आईडीए भागलपुर के अध्यक्ष डॉक्टर ए वली, डॉक्टर एसपी शरण, डॉक्टर नवीन कुमार सिंह, डॉक्टर अभिषेक सिन्हा समेत कई डॉक्टरों ने मॉर्निंग वॉक करने एवं शिविर में जाँच कराने आए लोगों को कैंसर से बचाव के लिए भी जागरूक किया। एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर जौहर साजिद और कोषाध्यक्ष डॉक्टर शुभंकर कुमार सिंह ने बताया कि कुल्ला अभियान एवं तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट जैसे नशीले पदार्थों के सेवन से बचकर ओरल कैंसर समेत कई तरह की बीमारियों से काफ़ी बचाव किया जा सकता है। साथ ही जांच शिविर में आने के लिए लोगों का आभार जताया। मौके पर कैंप इंचार्ज डॉक्टर नीरज, एसोसिएशन के अगले अध्यक्ष डॉक्टर संजय, डॉक्टर वंदना, डॉक्टर पीयूष, डॉक्टर संजय कुमार समेत तमाम दंत चिकित्सक और दवा कंपनी के प्रतिनिधि मौजूद रहे। एक जागरूकता शिविर लगाया गया है। इस शिविर का मुख्य मकसद है लोगों को अवेयर करना और इस अवेयरनेस के साथ साथ लोगों को एक कार्ड दी जा रही है। अगर इस कार्ड को लेकर हमारे जो मेंबर्स क्लिनिक में आप पहुंचते हैं तो आपको डिस्काउंट के तहत इलाज किया जाएगा और साथ ही साथ लोगों को हम लोग अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि आप जागरूक होइए, अपने समाज को जागरूकता फैलाइए, अपने परिवार में जागरूकता लाइए और खैनी, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और गुल का उपयोग ना करें। इससे कैंसर होने के प्रबल लक्षण है। ये जरूरी नहीं है कि हर तंबाकू खाने से कैंसर ही होता है, ये जरूरी नहीं है, मगर कैंसर होने के प्रबल लक्षण होते हैं। जिस बेटी को उंगली पकड़कर चलना और कंधों पर बिठाकर पिता ने दुनियादारी सिखाया,
वहीं पुत्र जीते जी अपने पिता को मृत घोषित कर चुपचाप निकल गया और उसी उंगली से पिता की मौत लिखने में भी उस बेटे के हाथ नहीं कांपे। दरअसल तेतरी निवासी 87 वर्षीय परमेश्वर झा एक सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और उनकी पत्नी का निधन कुछ दिन पहले ही हो गया था, जबकि उनकी दो संतान में एक बेटा और एक बेटी है। बताया जा रहा है कि रायपुर में रहने वाले परमेश्वर झा के पुत्र अपनी मां की मृत्यु के 4 दिन बाद वापस आया और वृद्ध पिता को मृत घोषित कर जमीन बेचकर चलता बना। इधर अपने बेटे के इस करतूत से आहत परमेश्वर को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां ICU में भर्ती पिता की देखभाल उनकी बेटी कर रही है। बता दें कि यह पूरा मामला भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत तेतरी गांव का है, जहां महज 8 डिसमिल जमीन के लिए पुत्र ने अपने जीवित पिता को मृत घोषित कर जमीन बेच दी। वहीं इसको लेकर परमेश्वर झा की पुत्री प्रीति ने बताया कि उनके पिता के पास 8 डिसमिल आवासीय जमीन और पेंशन के अलावा कुछ भी नहीं है और माँ के निधन के बाद उन्हें पुत्र के पास चले जाने को कहा गया, लेकिन वह गाँव छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। प्रीति ने कहा कि वह प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका है और उसके ऊपर उनके बच्चों की भी जिम्मेदारी है, लेकिन वह अपने बीमार पिता को भी छोड़कर नहीं जा सकती है, इसलिए उनकी देखभाल कर रही है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब से लगातार मौत की घटना भी सामने आती रहती है। इसको लेकर एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन और उत्पाद विभाग लगातार शराबियों पर कार्रवाई करती है, जबकि दूसरी ओर समाहरणालय के सामने शराब के नशे में धुत एक युवक घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा करते हुए पुलिस वालों को परेशान करता दिखा। बताया जा रहा है कि शराबी युवक अपने आप को इशाकचक थाने के पास का रहने वाला बता रहा है, जो आज ही शराब बेचने के आरोप में जेल से छूटकर बाहर निकला है और निकलते ही फिर से उसने शराब पीकर कचहरी चौक के पास ही ड्रामा शुरू कर दिया। हालांकि कैमरे पर तो युवक शराब नहीं पीने की बात कह रहा है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के द्वारा युवक की जांच कर उसे थाना भेज दिया गया, जहां उसकी जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर ट्रैफिक इंचार्ज ने कहा कि पकड़ा गया युवक शराब पिया हुआ प्रतीत हो रहा है और जांच के बाद कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। लग रहा है दारू पिए हुए लग रहा है। अभी जांच होगा तब पता चलेगा, अभी जांच नहीं हुआ। मेस में कह रहा है काम कर, नहीं ये सब गलत बात है। मेस में काम नहीं, चाय का दुकान है पुलिस के आगे में बोल रहा है, ये जो बोल रहा है हम नहीं पहचानते हैं, जो बोल रहा है वो बता। भागलपुर में एक मामला चर्चा का विषय बन गया, जिसमें एक बच्चे ने धोबी घाट पर एक तैरते हुए पत्थर को देखकर जब उसके समीप गया और उसे हाथ लगाया तो पत्थर काफी हल्का लगा और उस पर श्रीराम लिखा हुआ दिखा, जिसके बाद बच्चे ने पत्थर को उठाकर अपने घर ले आया। दरअसल शहर के खंजेपुर निवासी विजय कुमार पासवान का 8 वर्षीय पुत्र ब्रिगेडियर पासवान गाय का चारा लाने के लिए दियारा जा रहा था, तभी धोबी घाट के समीप उसने तैरते हुए श्रीराम लिखे हुए एक पत्थर को देखा और उसे घर ले आया। वहीं इसकी खबर फैलते ही पत्थर को देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ ब्रिगेडियर पासवान के घर पर जमा हो गई और चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। वहीं इस अनोखे पत्थर पर लोगों ने श्रीराम लिखा देखकर पत्थर की पूजा अर्चना शुरू कर दी, जबकि पत्थर मिलने के बाद आसपास के लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। हालांकि सिल्क टीवी इस पत्थर से संबंधित किसी भी बातों का फिलहाल कोई दावा नहीं करता है और इसका खुलासा पूरी जांच के बाद ही हो सकता है। इस पत्थर की वास्तविकता क्या है? वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यह पत्थर बहुत पुराना है और यह एक स्पंज के समान एवं अधिक छिद्रों वाला खुरदरा पत्थर होता है, जिसे हवा भरी होने के कारण यह पानी पर तैरता है। कहाँ से लाए थे ये? हमको गंगा जी में मिला, हम जा रहे थे दीरा पे मतलब घास काटने के लिए, तो पानी में घुस के जाना पड़ता है हमको, पानी में घुस के जाना पड़ता है, तो ये साइज का ईटा था, ठीक है। हम देखे वो हिल रहा है तो ठीक, हम अपना बच्चा को दिए, अब बच्चा से जो है 2-3 बच्चा था साथ में, तो इसको क्या किया फोड़ के, इसको फोड़ दिया, फोड़ के वो सब बच्चा सब कहाँ भाग गया लेके, इतना सब इसके पास बचा हुआ था, बोला पापा पापा फोड़ दिया, तो बोले अच्छा अच्छा लाओ इसको हमको रखने दो, इसका जब हम मतलब पानी में जब डुबाए तो हिल रहा था। क्या सोच करके आप नदी से इसको लाए थे? हम ये सोच के निकाले कहीं कि उसी समय का हो, मतलब राम के समय का हो। क्या लगता कितना साल पुराना होगा? क्या लगता कितना साल? जिस समय मतलब सतयुग के समय, जिस समय राम जी था उसी समय। कहाँ पे पत्थर कहाँ पे मिला? ये अपना आदमपुर घाट धोबी टोला। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। मेरा नाम पुजारी कुमार, ग्राम जगदीशपुर, पोस्ट रेबरा, थाना खानपुर, जिला समस्तीपुर।
मुझे लगभग 6 महीना पहले पता चला कि शुगर हो गया है। जब मैं डॉक्टर साहब के यहाँ गया और बताया कि मैं रात में 3-4 बार पेशाब करने के लिए जाता हूँ, उसके बाद कंठ सूखते रहता है पूरा रात, उसके बाद जब कोई घाव हो जाता था तो ठीक नहीं होता था, तो हम चेक करवाए तो खाली पेट में हमारा 300 कुछ था और खाना खाने के बाद 550 था। उसके बाद हम 1 महीना तक कोई दवाई नहीं खाए। 1 महीना दवाई नहीं खाने के बाद उसके बाद गुरीच का लत्ती जो घर में होता है नुस्खा वो सब अपनाने के बाद भी जब नहीं ठीक हुआ तो फिर 1 महीना के बाद चेक करवाए, इसमें HbA1c जो होता है वो मेरा 13 पॉइंट कुछ था। तो जब हम जांच करवाने के लिए आए तो कोई हमको मिला मेरे गांव का एक आदमी जो बताया कि तो वहां जाके आप दिखवाइए, उससे पहले हम कहीं दवा उवा नहीं खाए, कहा कि अंग्रेज़ी दवा पर हमको भरोसा भी नहीं था, और अंग्रेज़ी दवाई हम लेके और उसके बाद 1 दिन बाद वापस कर दिए दुकानदार को कि हम अंग्रेज़ी दवाई नहीं खाएंगे। उसके बाद डॉक्टर साहब के यहाँ आए तो यहाँ से मेडिसिन खाए आयुर्वेदिक, जो कि हमको 5 दिन में ही नॉर्मल हो गया। दवा खाने के 5 दिन के अंदर में ही मेरा ब्लड शुगर नॉर्मल हो गया और यूरिन में भी नील हो गया। उसके बाद डॉक्टर साहब हमको 3 महीना दवाई खाने का सलाह दिए और हमने 3 महीना कंटिन्यू दवाई खाया, और जैसे जैसे वो खाना खाने के लिए बताए वैसे वैसे हम खाए। उसके बाद 3 महीना दवा खाने के बाद डॉक्टर साहब हमारा दवाई बंद कर दिए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर के कहलगांव सदानंदपुर वैसा पंचायत भदवेश्वर पहाड़ी निवासी 30 वर्षीय इंदल राय का 6 साल के बाद पता चलने पर उनके परिजनों ने राहत की सांस ली है। दरअसल इंदल राय पिछले 6 साल से लापता थे और 3 दिन पूर्व ही पंजाब के अमृतसर से मां के नाम से उनका पत्र आया है। बताया जा रहा है कि इंदल राय को पंजाब पुलिस ने आतंकी होने के शक में अमृतसर जेल में बंद कर रखा है। वहीं इसको लेकर इंदल की मां सुकुमारी देवी और पत्नी बीवी देवी का कहना है कि पत्र लिखने वाले अमृतसर के अरविंद कुमार चौधरी हैं और इंदल की रिहाई के लिए स्थानीय सांसद विधायक और SP से बात करने पर चरित्र प्रमाण पत्र बनवा कर लाने की बात कही गई है। इधर बेटे की सकुशल वापसी के लिए मां सुकुमारी देवी शुक्रवार को वैसा पंचायत के मुखिया गोपाल पासवान के पास पहुंची, जहां से मुखिया ने इस मामले में वकील की सलाह लेने की बात कही। वह इसके बाद गांव के जीछो महतो के साथ इंदल के परिजन मुखिया संघ के अध्यक्ष सुनीता देवी के यहाँ पहुंचे, जिसके बाद सुनीता देवी ने कहलगांव विधायक को इसकी जानकारी दी। हालांकि बेटे के लापता होने के बाद से लगातार परेशान माँ और इंदल की पत्नी ने सरकार और प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा कि जब से इंदल गायब हुआ है तब से उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है और अब जब उसके अमृतसर जेल में बंद होने की जानकारी मिली है तो इतना सक्षम नहीं है कि वो अपने बेटे को वापस ला सके। इधर प्रशासन की ओर से SDO और पुलिस पदाधिकारी को मामले की पूरी सच्चाई का पता लगाने की बात कही गई है। घर वालों का कहना है कि दिसंबर 2016 में चौपाल टोला के ठेकेदार छंगुरी यादव द्वारा कहलगांव प्रखंड के 10 मजदूर के साथ इंदल को कर्नाटक के कुटकी NTPC में मजदूरी के लिए भेजा गया था, लेकिन वहां पहुंचने के चंद घंटे बाद ही अपने साथियों को छोड़कर कहीं चला गया, जिसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चला। मामला 2017 में मेरा बेटा गया पंटी कर्नाटक है, कर्नाटक से पता है। 2017 में गया था कर्नाटक। क्या नाम है बेटा का? इंदल राय। तो अभी लेटर से चिट्ठी से जानकारी मिला? चिट्ठी आया तो जानकारी मिला कि हम लोग तो सोच रहे थे खत्म हो, हम लोग सोच रहे थे खत्म हो गया, लेकिन चिट्ठी आया तो जानकारी मिला कि वो जिंदा है। जिंदा है तो किस स्थिति में, कहाँ है? जेल में है। जेल में है। हम लोग आवेदन क्या देंगे, मतलब कि ऐसे भी हम लोग भी घूर रहे हैं, खोज रहे हैं, ऐसे भी खोजते खोजते थक गए, तो हम लोग समझ गए कि अब हमारा भैगरा नहीं है। इस विषय में उससे पूछे नहीं छंगुरी यादव से कि कहाँ मेरा, हम कहाँ जाएंगे खोजने के लिए? हाँ, छंगुरी यादव बोला कि हम कहाँ जाएंगे खोजने के लिए, यही बोल दिया। हाँ। आप सब तो कम से कम आवेदन देना था थाना में, वही जाना पड़ेगा, कर्नाटक जाइएगा तब थाना से। तो ये चिट्ठी आपका कहाँ से आया? ये आया है अमृतसर। अमृतसर से आपका, आपको छंगुरी कहाँ भेजा था? कर्नाटक। कर्नाटक। सुल्तानगंज प्रखंड की करहरिया पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय दिसावर में शुक्रवार को ग्रामीणों ने हेड मास्टर विजय कुमार दास को हटाने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान ग्रामीणों ने हेड मास्टर विजय कुमार दास पर आरोप लगाते हुए कहा कि हेड मास्टर के द्वारा मध्याह्न
भोजन में बच्चों को पेट भर खाना नहीं दिया जाता है और स्कूल परिसर को गाय भैंस का तबेला बनाकर रखा हुआ है। साथ ही कहा कि स्कूल भवन में भी पुआल एवं भूसा रखा हुआ है और इसके एवज में हेडमास्टर के द्वारा पैसे की वसूली की जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चे की पढ़ाई के समय में सभी शिक्षक बैठकर मोबाइल का आनंद लेते रहते हैं और बच्चे भी खेलते रहते हैं, जबकि स्कूल परिसर में पानी एवं शौचालय की भी व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। बताया जा रहा है कि स्कूल परिसर में 6 शौचालय बनाए गए हैं, लेकिन इसमें से एक भी शौचालय प्रयोग करने के लायक नहीं है। वहीं उप मुखिया प्रतिनिधि चंदन कुमार ने बताया कि मध्याह्न भोजन में बच्चे को पेट भर भी खाना नहीं दिया जाता है और सरकार के द्वारा रखरखाव के लिए पैसे का जो आवंटन किया जाता है उनके अनुसार काम नहीं किया जाता। ग्रामीण कुमकुम देवी ने बताया कि जब इसकी शिकायत हेड मास्टर से की जाती है तो अपशब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देख रहे बहुत दिन से ताला लगा है, अभी कुछ दिन आके देखे पहले। कहाँ पे ताला लगा हुआ है? स्कूल में। स्कूल में विद्यार्थी को खेलने के जगह खेल नहीं पाते हैं, गाय माल सब यहाँ जोड़ता है, इधर उधर कर दिया है, खेलने में इधर उधर गिर जाता है। जब इसकी शिकायत की है हेड मास्टर भगा देता है। कौन भगा देता है? मास्टर कुछ ना कर रहे थे, कुछ कर रहे थे तो खा ले दो छै हतनी हतनी बच्चा बुतरु दे छै, मतलब आधा पेट खा ले दे छै। हां आधा पेट खा ले हां बे आपके खबर ने छै भरन की पेट ने भरे छै, मतलब इतना टक खाना दे छै। खाना और बात करने जाते हैं तो मास्टर दौड़ता है मारने के लिए। भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र में बीती रात मोटरसाइकिल चेकिंग के दौरान दो मोटरसाइकिल सवारों को पुलिस ने दबोच लिया, जिसके बाद पकड़े गए एक युवक ने गश्ती गाड़ी के ड्राइवर द्वारा उससे पैसे की मांग करने का आरोप लगाया। वहीं इसके बाद शनिवार की सुबह जब गाड़ी छुड़ाने के लिए युवक दोबारा पुरानी ततारपुर थाना पहुंचा तो थाने में उसके साथ जमकर पिटाई कर दी गई, जिससे उसका सिर फट गया। इसको लेकर युवक का कहना है कि रात में जब वह पुलिस वालों से गाड़ी छोड़ने की मिन्नत कर रहा था तब गश्ती गाड़ी के ड्राइवर ने 4,000 रुपया देने पर गाड़ी छोड़ने की बात कही थी, जबकि युवक पैसे नहीं दे सका तो उसे सुबह थाने आकर कागजात दिखाकर गाड़ी ले जाने की बात कही गई थी। बावजूद इसके सुबह गाड़ी छुड़ाने पहुंचे युवक द्वारा कागजात दिखाने के बाद भी गाड़ी नहीं छोड़ी गई और पुलिस वालों ने थाने के अंदर ले जाकर युवक की पिटाई कर दी। इधर मामले को लेकर युवक ने बताया कि शुक्रवार की रात उसके पिता ट्रेन से कहीं जा रहे थे, इसलिए उन्होंने गाड़ी को स्टेशन की पार्किंग में लगा दिया, जबकि इसके बाद युवक स्टेशन से मोटरसाइकिल लेकर लौट जा रहा था, तभी मोटरसाइकिल का तेल खत्म हो गया और वह गाड़ी खींच कर लॉज ले जा रहा था। साथ ही कहा कि इसी क्रम में पुलिस ने उसे पकड़कर गाड़ी थाने में रख लिया और सुबह थाने में जाने पर उसके साथ पुलिस द्वारा मारपीट की गई। हालांकि आम लोगों को सेवा और सुरक्षा प्रदान करने का दावा करने वाले पुलिस प्रशासन के आलाधिकारी इस तरह की पुलिसिया कार्रवाई पर क्या एक्शन लेते हैं यह देखने वाली बात है। आते हैं सर, हम लोग यहाँ पर्वती में लॉज में रह करके पढ़ाई करते हैं। गाड़ी रात में पापा लेके आया था, 12:40 में ट्रेन था हमारा पापा का पटना जाने का, बस गाड़ी लेके बोला कि जा अपने रूम पे लगा दें, गाड़ी तेल खत्म हो गया, घर का आ करके एक लड़का हम लोग आ रहे थे, ये लोग पकड़ लिया, वो डिलीवर जो होता है थाना का डिलीवर पकड़ करके बोलता है कि गाड़ी का कागज दो, यू तुम लोग ATM लूट लिया, यू पूरा बोलने लगा, खुद से कुछ बोलने लगा, क्लियर सर हम लोग चोर है, लेके आया यहाँ पे आया, बोलता है कि 40,000 पैसा है तब गाड़ी मिलेगा, नहीं तो नहीं सवेरे आना। वहाँ गए, यहाँ आए तो यहाँ से बड़ा बाबू के पास जाते थे जो जिप्सी पर बैठा हुआ था, इतना खराब खराब बोलता है कि मत पूछिए, थाना पे गए धोप धाप के भगा दिया, बोलता है वहाँ जा जा गाड़ी है, वहाँ से आए 2-3 को बड़ा बाबू से बात कराए, वहाँ यहाँ भी बात कराए, नहीं मानता है, हम लोग का एक जन्म का दिन है, एक जन्म देने जा रहे हैं, यहाँ गाड़ी का डीटा छुए अभी अंदर ले जा करके 4-5 मारने का पता भाग दिया मार करके। क्या नाम होता? मेरा चंदन कुमार लाल। कहाँ घर है? गोराडी बिर। भागलपुर जगदीशपुर प्रखंड के खिरीबान पंचायत मकससपुर गांव में 13 फरवरी को मुख्यमंत्री के संभावित भागलपुर आगमन को लेकर शनिवार को जिला प्रशासन की ओर से समाधान विकास शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों के संबंधित कार्यों के समाधान को लेकर बनाए गए अलग अलग काउंटर पर निपटारा किया गया,
शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, कृषि विभाग, शिक्षा, पक्की नाली गली योजना, पेयजल सहित विभिन्न योजनाओं से संबंधित कार्यों का निपटारा किया गया। मौके पर BDO, CO, मनरेगा के PO समेत कई अधिकारी मौजूद थे। भागलपुर नगर निगम वार्ड संख्या 12 के अंतर्गत कबीरपुर नाथनगर में हजरत कवि शाह रहमतुल्ला अलैह का उर्स ए पाक बड़े ही इज्जत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस दौरान कबीरपुर समेत शहर के दूर दराज से आए हुए अकीदतमंदों एवं जाहिरीनों ने शिरकत किया। वहीं कार्यक्रम में वादी नमाज, जुमा, कुरान खानी कर मसार अकदस पर चादर पोशी एवं गुलपोशी की गई। साथ ही जलसा का भी आयोजन किया गया, जिसमें नातिया कलाम पेश किया गया। हाफिज मुमताज आलम और हाफिज फवाद आलम ने नातिया कलाम पेश किया। इस मौके पर कबीरपुर मस्जिद कमेटी के सदर शाहिद रजा खान, कमेटी के सदस्य मास्टर मोहम्मद इकबाल इशाद उद्दीन, मोहम्मद शोएब खान, इसराइल सोहेल खान, शहजाद अली के अलावा मुकामी हजरत मौजूद थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।